अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं शाही मटन कोफ्ता रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनेगा, और साथ ही मैं आपको सारे टिप्स दिखाऊंगी जिससे कोफ्ते नहीं टूटेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रेवी के लिए जो मसाला बनाते हैं वो बना के रेडी कर लेंगे। तो इसके लिए एक जार लेंगे, इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज़ की तली हुई प्याज। प्याज को मैंने ऑलरेडी तल के रख लिया था। अब इसमें डालेंगे दही, आधा कप दही लेंगे, इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे और इसको डाल देंगे इसमें। अब यहाँ पे इन दोनों को एक ग्राइंड करके स्मूथ सा बैटर बना के रख लेना है। तो पानी यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, दही के साथ ही इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, ये रेडी हो गया है। अब नेक्स्ट यहाँ पर 250 ग्राम मैंने खीमा लिया है, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो यहाँ पे टिप एक है कि जब खीमे को वॉश करेंगे इसका सारा पानी जो है ड्रेन करेंगे, और खीमा जब लेंगे तो ज़्यादा चिकना नहीं लेंगे। अगर चिकना खीमा लेंगे तो जो है इससे कोफ्ते टूट जाएंगे। अब इस खीमे को जो है एक जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे, डाल देंगे। नेक्स्ट अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें और लहसुन। 2 मीडियम साइज़ की हरी मिर्चें ली है मैंने, इसको फाइनली चॉप कर लिया है, और 4-5 लहसुन की कलियां हैं। अब इसमें जाएगा 1 मीडियम साइज़ की प्याज, इसको फाइनली चॉप करके यहाँ पर डाल देंगे। ये करीब 2 टेबल स्पून के हैं। अब इसमें डालेंगे आधी चम्मच काले मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे। ये घर की सूखी लाल मिर्चें हैं, इसको मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे आधी चम्मच नमक। तो नमक हम यहाँ पे सिर्फ कोफ्तों के लिए ऐड कर रहे हैं, उस हिसाब से नमक ऐड करेंगे। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे, तो पानी वगैरह बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे यहाँ पे, इसको इसी तरह से ग्राइंड कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी डाला था। अब ये देखिए, ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से एक बार। अब इसमें डालेंगे 1 फेंटा हुआ अंडा। अंडा डालने से इसकी बाइंडिंग भी अच्छी होती है और साथ ही इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। और डालेंगे इसमें 4 चम्मच जितना फुटाने का पाउडर। आप चाहो तो इसको खीमा जब ग्राइंड करते हैं तब भी ऐड कर सकते हो। मिक्स कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको अच्छी तरह से जो है गूंद लेना है, बाइंड कर लेना है। तो ये मिक्स हो चुके हैं। अब यहाँ पे बना लेंगे कोफ्ते। तो मैंने मीडियम साइज़ के कोफ्ते बनाए हैं, ना ही ज़्यादा बड़े हैं और ना ही ज़्यादा छोटे हैं। तो ये देखिए, इसी तरह मैंने सारे कोफ्ते बना लिए हैं। तो इतने खीमे में 10 से 12 जो है कोफ्ते बन चुके हैं। अब इसको जो है फ्राई कर लेंगे। तो एक पैन में मैंने तेल को गर्म कर लिया है। अब इसमें सारे कोफ्ते जो है डाल देंगे, डाल के इसको फ्राई कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसको डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, इसको शैलो फ्राई कर लूँगी। इसको चम्मच की मदद से घुमाते हुए हर साइड से जो है इसको फ्राई कर लेना है, ताकि ये खीमा अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे इसका कलर जो है गोल्डन कलर आ गया है, इसको तब तक मैंने फ्राई किया है। अब इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब इसका जो है ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 3 बड़े चम्मच तेल डाला है कढ़ाई में। अब इसमें थोड़े से साबुत मसाले डालेंगे, जिसमें 2 तेज पत्ते, 4 लौंग, 3 हरी इलायची और 2 दालचीनी के पीसेस हैं। इसको हल्का सा जो है इस तेल में फ्राई कर लेंगे। इसके साथ साथ इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब ये पेस्ट को इन मसालों के साथ अच्छी तरह से जो है भून लेंगे। तो यहाँ पे अदरक लहसुन की को जो कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो गई है। अब इसमें जो पेस्ट हमने शुरुआत में बना के रखा था प्याज का, वो यहाँ पे डाल देंगे इसमें।
मिक्स करके इसको तेल में थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए पका लेंगे। इसमें डालेंगे मसाले, जिसमें आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च। मिर्च नमक आप यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। एक चम्मच धनिया पाउडर, और एक चम्मच नमक डालेंगे। अब इन सारे मसालों को तेल में अच्छी तरह से जो है भूनते जाएंगे और इसको जो है अच्छी तरह से पका लेंगे। जब ऑयल इसमें सेपरेट होने लगे, ऊपर सरफेस पे आ जाए, तो यहाँ पे ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी। 4 टेबलस्पून के करीब यहाँ पे टोमेटो प्यूरी या आधी कप जितनी ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये टोमेटो प्यूरी अच्छी तरह से पकने लगे तो यहाँ पे कोफ्ते डाल देंगे। इसको मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे, 2-3 मिनट पका लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे काजू का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे 7-8 काजू लिए हैं, इसको थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लिया है। इसके पेस्ट को यहाँ पे इसके साथ डाल के पका लेना है। अब इसको कवर करके कुक कर लेंगे ताकि ये पेस्ट और मसाले सारे जो है अच्छी तरह से पक जाएं। तो ये देखिए ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब इसमें डालेंगे पानी, तो 1 ग्लास जितना ये करीब 250 ml के है, तो पानी यहाँ पे डाल देंगे। डाल के इसको अच्छी तरह से एक मिक्स कर लेंगे। तो ग्रेवी की थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आधी चम्मच जितना गरम मसाला पाउडर डालेंगे। मिक्स करके इसको कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, या फिर तब तक जब तक कि ऑयल जो है अच्छी तरह से सेपरेट ना हो जाए। तो ये देखिए ये इसकी ग्रेवी अच्छी थिक बन चुकी है। तो मैंने इसको ज़्यादा जो है पतला नहीं किया है। तो ये कोफ्ता जो है रेडी हो गया है, बहुत ही टेस्टी बनता है। इसको सर्व कर लेंगे। तो आने वाली बकरीद पे आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो ट्राई करें, ट्राई करने के बाद रेसिपी पसंद आए हो तो कमेंट करके मुझे बताएं, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।